अब हम लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. देयर आर अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ के सपाट पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली काल्पनिक लाइनें बनी हुई होती है. विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजिनरी लाइन एग्जैक्ट टाइम एंड लोकेशन कैन बी नोन. अब इसी काल्पनिक लाइन की मदद से हम एग्जैक्ट टाइम और लोकेशन जान सकते हैं. दिस लाइन्स आर नॉट देयर ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस पर यह लाइन नहीं है, पर यह लाइन हम मैप में बना सकते हैं और देख सकते हैं. लेटिट्यूड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे. द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लेटिट्यूड. द हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है जो हम अर्थ के सरफेस पे बनाते हैं, उसे लेटिट्यूड कहते हैं. If any point on surface of the earth is connected by the straight line to the center of the earth, then the line becomes a latitude of the point as far as the angle of the center is along the equator. The total number of latitudes are 181. मतलब कि यदि पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु पृथ्वी के केंद्र के लिए एक सीधी रेखा से जुड़ा है, तो वह रेखा उस बिंदु का अक्षांश बन जाती है. जहाँ तक केंद्र का कोण भूमध्य रेखा के साथ होता है, अक्षांश की कुल संख्या 181 होती है. लेटिट्यूडनल लाइन, द ईस्ट वेस्ट सर्कल कनेक्टिंग द प्लेस फाउंड ऑन द अर्थ इन द नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर आज कॉल्ड लेटिट्यूड लाइन. मतलब कि उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्थानों के भूमध्य रेखा के समान दूरी पर जोड़ने वाली पूर्व और पश्चिमी रेखाओं को अक्षांशीय रेखा कहा जाता है, जो लेटिट्यूड लाइन के नाम से जाना जाता है. लॉन्गिट्यूड, द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ड्रोन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड. जो वर्टिकल लाइन, काल्पनिक लाइन जो ड्रॉ की जाती है अर्थ के सर्फेस पर, उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. द लॉन्गिट्यूड मीट्स ईच अदर एट द पोल. लॉन्गिट्यूड है वो पोल पे एक दूसरे से मिलते हैं. दिस लाइन कम क्लोजर टू ईच अदर वाइल गोइंग टूवर्ड्स पोल. पोल के साइड जाते ही वो दोनों लाइन एक दूसरे के नज़दीक आती है. देर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स. टोटल 360 लॉन्गिट्यूड है, अमोंग विच 0 डिग्री लेटिट्यूड एंड 180 लॉन्गिट्यूड आर इम्पोर्टेंट. 0 डिग्री लेटिट्यूड और 190 डिग्री लेटिट्यूड वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. लीनियर सर्कल, द नॉर्थ साउथ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द इमेजिनरी सरफेस ऑफ द ओरिजिनल लीनियर टू द अर्थ एक्सिस एट द सेम एंगुलर डिस्टेंस अलोंग द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ लीनियर सर्कल. मतलब कि उत्तर दक्षिण सीधी रेखा को पृथ्वी की धुरी पर मूल रेखित की काल्पनिक सतह को एक ही कोणीय दूरी पर पृथ्वी की सतह के साथ जोड़ने वाली लाइन, इसे हम कहते हैं लीनियर सर्कल. अभी एक फिगर से हम लेटिट्यूड है मेन लेटिट्यूड, वो एक फिगर से मैं आपको समझाऊंगी. इस फिगर से हम समझते हैं कि नोटिस दैट देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रोन इन द सेंटर ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस से बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं. दिस वन, द इक्वेटर डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ये जो इक्वेटर है, ये वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट. द पोर्शन अबव इक्वेटर इज कॉल्ड अ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम नॉर्थन हेमिस्फीयर कहेंगे और जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम साउथन हेमिस्फीयर कहेंगे. दस लेटिट्यूड इन इट्स नॉर्थ आर कॉल्ड नॉर्थन लेटिट्यूड एंड साउथ आर कॉल्ड साउथन लेटिट्यूड. 23.5 नॉर्थ लेटिट्यूड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये जो 23.5 नॉर्थ लेटिट्यूड है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे. While 23.5 south latitude in the southern hemisphere is called a tropic of Capricorn. अभी जो 23.5 south latitude है उसे हम tropic of Capricorn कहेंगे.
Similarly, 66.5 latitude in the north of equator is called the Arctic Circle. ये जो 66.5 north latitude है, इसे हम Arctic Circle कहेंगे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये 66.5 latitude in the south of equator is called the Antarctic Circle. अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इसे हम Antarctic Circle कहेंगे। Okay. The speed of the sun between Tropic of Cancer in the north and Tropic of Capricorn in the south of equator is called a solstice. Therefore, the circle between these are called a solstice. It takes 6 months for this speed of the sun. Earth is titled at the cone at 23.5. Earth है वो अपनी धरी पे थोड़ा सा झुका हुआ है. The sun rays fall almost straight between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में लगभग सन की जो रेज है वो एकदम सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, इन दोनों के बीच में सीधी होती है. जिसका पिक्चर आप पेज नंबर 52 पे देख सकते हैं कि सन की जो रेज है वो एकदम यहाँ बीच में सीधी पड़ती है. तो ये अगर इधर सन ड्रॉ कर दिया जाए और रेज बना दी जाए तो ये पिक्चर हो जाएगी, आयोन सर्कल हो जाएगा. तो अब हम जीपीएस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. GPS. Okay. With the help of a global positioning system, we come to know the latitudinal and longitudinal location of any place through mobile phone and Google Earth. Mobile phone और Google Earth की मदद से हम किसी भी चीज का location जान सकते हैं, किसी भी जगह का. The latitudinal and longitudinal location of any place may be found with the help of a mobile which have a internet access. Internet connection वाला जो फोन है उसे हम कोई भी location जान सकते हैं. Measure longitude, उसमें first है Greenwich Mean Time Line. Greenwich Mean Time Line. The 0° longitude which passes through Greenwich City of England is called Greenwich Line. England का जो city है Greenwich, उससे 0° longitude जो line pass होती है उसे हम Greenwich Line कहेंगे. Greenwich Line divides Earth into two equal parts. Greenwich Line है वो Earth को दो equal parts में divide करता है, east से लेके west तक. उसे हम Eastern Hemisphere और Western Hemisphere कहेंगे. The longitude up to 180° east of Greenwich line are called eastern longitude and the longitude up to 180° west of a Greenwich line are called a western longitude. अब आएंगे international date line. International date line, 180° longitude is called international date line. 180° longitude है उसे हम international date line कहेंगे. It is just one longitude, ये सिर्फ एक ही longitude है. The date and time changes when we cross this line. Date और time change हो जाएगा अगर हम international date line को cross कर लें. It passes through the Pacific Ocean और वो Pacific Ocean से pass होता है. It is exactly not at 180° at the some place. वो कुछ जगह पे 180° perfect ही नहीं है. It is in a zigzag form. मतलब zigzag, criss cross है. पूरी सीधी नहीं, criss cross है. The reason behind it is that if it is drawn straight,
इट विल क्रॉस सम आइलैंड और सम कंट्रीज। अगर हम इसके पीछे रीजन है क्यों एक क्रिस क्रॉस है, ज़िगज़ैग है, सीधी क्यों नहीं, उसके पीछे एक रीजन है। अगर हम इसे सीधे करें लाइन तो वो कुछ आइलैंड को और कुछ कंट्री को क्रॉस कर जाएगी, जिसकी वजह से दो तारीखें और दो वार एक ही जगह के होंगे। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए इस लाइन को ज़िगज़ैग कर दिया गया है। इट विल क्रॉस सम आइलैंड और सम कंट्रीज बिकॉज ऑफ विच टू डेट्स विल मिक्स अप। जैसे मैंने कहा कि दो तारीखें मिक्स हो जाती है एक ही आइलैंड की। इन सम प्लेसेस व्हाइल गोइंग टू द अदर साइड ऑफ एन आइलैंड डेट मे चेंज। तो एक जगह पे अलग डेट होती है, दूसरी आइलैंड, उसी आइलैंड की दूसरी जगह जाने पर डेट चेंज हो जाती है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। टू प्रिवेंट दिस कन्फ्यूजन दिस लाइन इज डेविएटेड रफली। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यह लाइन को ज़िगज़ैग बनाया गया है। टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन ऑफ डेट दिस लाइन ड्रॉ थ्रू द सीज एंड नॉट द लैंड। अब इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस लाइन को समुद्र में जाने दिया है, लैंड पे नहीं। अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक के बारे में। फ्रॉम द फिगर 9.10 it become clear that earth is divided in different parts on the basis of a difference in temperature, light, heat and cold. अभी अलग अलग difference है temperature, light, heat और cold, उन सब में अगर देखा जाए तो एकदम clear हो जाता है कि earth को ना अलग अलग भागों में बेचा गया है। क्यों? तो temperature, light और heat और cold के अलग अलग differences होने के लिए। These parts are called zone, अब उसको zone कहा जाता है। Region receiving more or less light or heat have been divided as follow. उसमें first है torrid zone. Torrid zone है जिसको हम tropical zone कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, excessive heat होती है वहाँ पे उस zone में। Temperate zone में moderate होता है, मतलब सामान्य होता है, heat भी ज़्यादा नहीं होती, cold भी ज़्यादा नहीं होता है। Frigid zone जिसे हम polar zone कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। मोशन दो टाइप के होते हैं अर्थ के, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो पहले हम रोटेशन के बारे में जानेंगे। एज द टॉप रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द सेम वे अर्थ ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे कि हमने देखा है टॉप यानी कि वो भ्रमरा नहीं होता है जो छोटे बच्चे खेलते हैं, तो वो अपनी धुरी पे खुद ही घूमता है, वैसे ही अर्थ भी अपनी धुरी पे खुद ही घूमती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। दिस सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डेली मोशन। अभी इसी मोशन को हम डेली मोशन कहेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोटेशन, उसको रोटेशन भी कहा जाता है। द अर्थ कंप्लीट अ साइकिल ऑफ 1670 किलोमीटर्स पर आवर ऑन इक्वेटर। अब ये जो साइकिल है अर्थ का वो 1670 किलोमीटर पर आवर इक्वेटर पे घूमता है। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट दिस साइकिल, और इस साइकिल को कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं, मतलब एक दिन। दिस स्पीड हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द अर्थ ऑरेंज शेप। अब हम रिवोल्यूशन के बारे में जानेंगे।